सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी इस बात को नोटिस जरूर किया होगा कि इंडियन आर्मी पर्सनल्स अपने यूनिफॉर्म की लेफ्ट चेस्ट पॉकेट के ऊपर कई अलग अलग तरह के रिबन्स को पहनते हैं और ये अलग अलग कलर के रिबन्स एक कलर बारकोड की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अलग अलग कलर के दिखने वाले रिबन्स का क्या मतलब है और ये किस चीज को दर्शाते हैं? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये अलग अलग कलर के दिखने वाले रिबन्स किसी भी सोल्जर के मिलिट्री करियर के दौरान उसके द्वारा हासिल की गई अलग अलग उपलब्धियों के बारे में दर्शाते हैं, जैसे कि उस सोल्जर को कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन सी जगहों पर पोस्टिंग दे चुका है और उसका सर्विस का टाइम ड्यूरेशन कितना है। और ऐसे ही सोल्जर के मिलिट्री करियर से जुड़ी और भी चीजें होती हैं जो इस रिबन के द्वारा दर्शाई जाती हैं। और चूंकि आप मेडल्स को हमेशा अपने यूनिफॉर्म पर लगाकर नहीं घूम सकते हैं, तो इसीलिए इन अलग अलग कलर के रिबन्स में इन मेडल्स को भी दर्शाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर किसी सोल्जर को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वे इस कलर के रिबन पहनते हैं। और ऐसे ही अगर किसी ऑपरेशन के दौरान सोल्जर किसी दुश्मन का सामना करते हुए घायल होता है तो उसे वाउंड मेडल से सम्मानित किया जाता है और इस वाउंड मेडल को इस रिबन पर इस कलर से दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार इसमें सोल्जर की हर एक अलग अलग उपलब्धि के लिए इसमें अलग अलग कलर के रिबन्स होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस उपलब्धि के लिए कौन से कलर का रिबन इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर हम एक अलग से आर्टिकल बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस आर्टिकल को पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से कलर का रिबन किस उपलब्धि के लिए होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।